हरियाणा के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश और ओडिशा सहयोगी राज्य होगा। यह आयोजन 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। 18 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगे, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता यज्ञ और पूजन के साथ होगी। The International Gita Mahotsav beautifully reflects the enduring partnership between our regions. It showcases how cultural traditions can transcend borders and creating lasting connections. You recall that in 2023, in October, the President of Tanzania, United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, made a state visit to India. अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में मार्च शीर्ष का महीना चल रहा है इन दिनों, और ये महीना मार्च शीर्ष का वो है जिसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अपनी विभूतियों में स्थान दिया है। मासा नाम मार्गशीर्ष हो, महीनों में मार्गशीर्ष में ही इसी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आएगी, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, वह एकादशी तिथि गीता उपदेश की तिथि है। वह तिथि है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता के लिए गीता उपदेश दिया था। इस वर्ष गीता जयंती पर गीता उपदेश के 5161 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 5161 मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं।